यह बदला प्राथमिक विद्यालय पूरी बारीनगर हरिजन टोला की है, जो कि कटिहार जिला का अंतर्गत पड़ता है। इस स्कूल में अपना पक्का का भवन तथा शौचालय नहीं रहने के कारण इस स्कूल के बच्चे झोपड़ी के नीचे बैठ के पढ़ते थे और शौच के लिए बगल वाला खेत में जाते थे। और वहाँ भवन है? नहीं है। भवन नहीं है तो कैसे पढ़ते हैं आप? बाहर में। और क्या क्या दिक्कत होता है पढ़ने में? बहुत चीज का, खाने में, बाहर में खाना बनता है। और शौचालय के लिए कहाँ जाते हो? बाहर। केंद्र बनाने के लिए आप पैसा उसे आ गया है क्या? पैसा आ गया है, पैसा एक साल पहले पैसा आ गया है, लेकिन हमारा जो है सेवा जो है बहुत कम दिन के लिए है। 4 महीना के बाद जो है हम रिटायर कर रहे हैं। इस स्थिति में हम बनाना भी नहीं चाहते। वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है और विभाग का आदेश था कि जहाँ उपलब्ध जमीन नहीं हो रहा है उसको किसी मिडिल स्कूल में ऐड कर दें। हेडमास्टर को बोला कि जमीन तो वहाँ उपलब्ध नहीं, जमीन नहीं हुआ। हेडमास्टर के द्वारा सूचना भी हमको नहीं मिला है, क्योंकि उसका निर्देश इकाई पंचायत है और भवन के लिए डायरेक्ट पैसा सब शिक्षा से आता है, उसके खाते पे। हम इस पे वीडियो बना करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से जाके मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द स्कूल का भवन तथा शौचालय बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक एक साल बाद ऐसा ही हुआ कि आज स्कूल का भवन तथा शौचालय बन गए और बच्चे लोग खुशी से पढ़ रहे हैं। पहले कैसा स्कूल था आप लोगों का? अब कैसा स्कूल हो गया है? अच्छा बन गया, पक्का का बन गया। शौचालय भी? जी। शौचालय भी बन गया जी। अब पढ़ने में कैसा मन लगता है? अच्छा लगता है, खुशी आता है पढ़ने जी। में अब बारिश में घर नहीं भागना होगा आप लोगों को? अब बढ़िया मन लगा तो पढ़ोगे ना जी। अब बन रहा है मकान? बन गया है? नहीं अभी पूरा नहीं हुआ बारिश, लेकिन लेबर सब काम नहीं करता है, बारिश के बाद करेगा काम। अच्छा, पढ़ाई लेकिन शुरू हो गया है नीचे जी? शौचालय भी बन गया है क्या जी? अब आप लोगों का भी तो दिक्कत नहीं हो रहा है बगल वाला खेत में या गांव में किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ता है? नहीं दीदी, अब हम लोगों को भी सुविधा हो गई और बच्चों को भी सुविधा हो गई, केला खेत में नहीं जाता है बच्चियाँ लोग भी और हम भी नहीं जाते हैं। इस वीडियो को बदलाव लाने में शिक्षक तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने हमें भरपूर सहयोग किया। मैं रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया के लिए।